राजू जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने, मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? इतना सा तो है। पहले अपने आप को देखो तुम, मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम, वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले अभी तुझे दिखाता हूँ। सकते हो ये? अरे ये कैसे गिराएगा, उसके लिए ताकत चाहिए, ताकत। शर्त हार गया मैं, सब हंसेंगे। शर्त हार गया मैं। बेचारा लड़का, इसमें कुछ खास नहीं, सब हंसेंगे। शर्त हार गया जो कालिया, जिसमें कुछ खास नहीं। कालिया, तुम सबसे खास बन सकते हो, सबसे अलग। वो कैसे गोल रानी? मेरे जादुई जूते से ये पूरी दुनिया को गोल गोल घुमा सकते हैं। चाहिए तुम्हें इतनी ताकत? भूकंप, बचाओ! अजीब था वो। ऐसा लगा धरती में कुछ बदल रहा है। गांव में सब कैसे होंगे? चलो दोस्तों। पता नहीं क्या हो रहा है आज सुबह से, ये भूकंप जैसे। बस कालिया, सबको परेशान करना बंद करो। कालिया, अब कालिया को कोई नहीं रोक सकता। और तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो कालिया? मैं कालिया नहीं, गोल उस्ताद हूँ। ये सब हुआ कैसे? भीम, उस गोल रानी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं बड़ा हीरो बनना चाहता था और बड़ा बेवकूफ बन गया। अब मैं हमेशा। कालिया, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, है ना भीम? भीम!
कौन हो तुम? मेरा नाम हाकम है और मैं रेत की घड़ी बनाने वाला व्यापारी हूँ। आपके लिए मैं ये सबसे शानदार घड़ी तोहफे में लाया हूँ। हमें आपका तोहफा बहुत पसंद आया। अब आएगी ढोलकपुर पर मुसीबत की घड़ी। से रेत क्यों बरस रही है? आसमान से रेत तब तक बरसेगी जब तक ढोलकपुर भी रेत में धस नहीं जाता। हर राज्य को मैं अपनी घड़ियों में कैद करूंगा, फिर तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और बंद कर दो काल कोठरी में। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। और फिर इन्हें खाने से ताकत भी तो मिलती है। भीम इतने लड्डू खाता है इसीलिए तो वो सबसे ताकतवर है। वो क्यों, मैं क्यों नहीं? अरे राजू, तुम भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इस राजू में कौन सी ताकत है? तुम सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ। मैं उस्ताद से ज्यादा ताकत और किसी में नहीं है। कितनी बार तो भीम तुम्हें कुश्ती में हरा चुका है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत है। खतरों से खेलो खतरनाक चैलेंज में, भाग लो खतरों का सामना करो, ये खतरनाक चैलेंज जीत के दिखाओ। चलो सब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा था, सबका खुलासा हो जाएगा। चलो भूल जाना चाहिए।
हम पहुंच गए। ये दरवाजा तो बहुत बड़ा है, बड़ा है। और हम इसे खोलेंगे कैसे भी? एक मिनट, सब पीछे हटो। सब लोग एक साथ रहना। इसे तो मैं चुटकी में पार कर सकता हूँ। हमें यहीं से जाना होगा। अब क्या करें भीम? अब इसे कैसे पार करेंगे भीम? ये पानी नहीं है दोस्तों, ये धोखा है, ये कांच है। आओ तुम सब आओ। चैलेंज में आपके ग्रुप को कुछ ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जो इन्हें नहीं पूरा कर पाएगा वो चैलेंज के बाहर हो जाएगा। हर कंटेस्टेंट को दो काम करने हैं। इस टैंक में कीड़े केचुए हैं और डार्क रूम की चाबी भी। डार्क रूम की चाबी टैंक में से निकाल डार्क रूम में जाना है, जहां कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर बने एग्जिट दरवाजे से बाहर आना है। याद रहे, जो चीखा चिल्लाया वो इस राउंड के बाहर हो जाएगा। ढोलू बोलू, तुम पहले जाओ, मैं बाद में जाती हूँ। ढोलू बोलू अब इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं। से ये नहीं हो पाएगा। जो चीज तुम्हें बुरी लगती है उसकी जगह जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है सोचो, वहाँ वो है। जैसे दूध की जगह मैंने सोचा जूस है और घटाक से पी गया। साग की जगह सोचा पुडिंग है और फटाफट निगल गया। इस चैलेंज से बाहर हो गया है। कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा। कोई है? इंदुमति अब इस चैलेंज से बाहर हो गई है। तीनों फाइनलिस्ट अब आखिरी और सबसे खतरनाक चैलेंज फेस करेंगे। ये मैं आगे नहीं खेलना चाहती। चुटकी अब इस चैलेंज से बाहर हो गई है। पहले मैं जाऊंगा।
कालिया अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। भीम है इस खतरनाक चैलेंज का विनर। मनसुख चाचा, अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ दोनों बोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस दादी खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चलो सब लोग अंदर आओ। तो फिर अब देर किस बात की है? भीम सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। हर काम गलत कर
करने में। Oh.
कुछ और कोशिश करते हैं। अब हम महाराज और राजकुमारी के स्वागत के लिए तैयार हैं। जग्गू लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। हाँ, सच में भीम है कि लड्डू, कैसे कर लेते हो तुम भीम? तुम भी कर सकते हो जग्गू, जरा घूमो। अरे वाह, क्या बात है। वाह भीम तो सचमुच कमाल का है, जरा देखो उसने तो जग्गू को भी सिखा दिया। आप कब हमें ऐसे पैतरे सिखाएंगे कालिया उस्ताद? खुद गेंद संभालना आए तो हमें सिखाएंगे ना। खोलू, गेंद छोड़ो। तुमने जुबान नहीं संभाली तो तुम्हें ही मैं लट्टू बनाकर घुमा दूंगा। तुम ठीक तो हो ना कालिया? मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ। इसलिए तो गेंद के बजाय खुद ही घूम रहे थे। वैसे भी गेंद से तो कोई भी करतब दिखा सकता है, पर फ्रिस्बी घुमाना तो हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा तो हो जाए मुकाबला। हाँ। फेंकूंगा कि किसी की पकड़ में ही नहीं आएगा।